नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत सारे लोग नेताओं के भड़काने में आकर और नेताओं के कहने पर कई तरीके के अपराध कर जाते हैं, लेकिन बाद में ये सब उनके लिए महंगा पड़ता है, क्योंकि नेता आखिर नेता होता है और उसको पलटी मारने में, गुलाटी मारने में एक सेकंड भी नहीं लगती। तो जो अरविंद केजरीवाल का गुंडा था विभव कुमार, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया है। और कुछ इतनी जबरदस्त उसके साथ घटना घट गई कोर्ट के अंदर कि वो फूट फूट कर रोने लगा। रोने वो इसलिए भी लगा कि अब उसकी हैकड़ी निकल गई है। जिस तरीके से वो स्वाति मालीवाल को लेकर टिप्पणियां कर रहा था, जिस तरीके की बात कह रहा था, वो सब अब उसे समझिए कि एक तरीके से अब उसे समझ आ गया है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने तुझको फंसवा दिया है और बलि का बकरा बना दिया है। जी हाँ, दरअसल है क्या कि कोर्ट के अंदर कोर्ट के अंदर विभव कुमार की सुनवाई थी, और विभव कुमार को जब कोर्ट के अंदर लाया गया तो इस बात को लेकर कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ कि विभव कुमार फूट फूट कर रोने लगा और भीख मांगने लगा दया की। लेकिन कोर्ट तो कोर्ट होती है, हमारे यहाँ न्याय को सर्वोपरि माना गया है, और न्याय ये कहता है कि विभव कुमार वो गुंडा है जिसने अरविंद केजरीवाल के इशारे पर, अरविंद केजरीवाल यानी कि सीएम हाउस के अंदर एक राज्यसभा सांसद, सम्मानित राज्यसभा सांसद और वो भी महिला सांसद, उसको बहुत बुरी तरीके से पीटा है। ये बहुत बुरी बात है। ये देश की पहली ऐसी घटना थी, बल्कि यूं कहे कि दुनिया की पहली ऐसी घटना थी कि सीएम हाउस में किसी राज्यसभा सांसद, महिला सांसद को पीटा गया हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि अब विभव कुमार को ये लगने लगा है कि अब तुम छूटने वाले नहीं हो और बुरी तरीके से फंस चुके हो, और पार्टी तुमसे पल्ला झाड़ती नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी के लेवल पर अब विभव कुमार को अलग थलग कर दिया गया, अकेला छोड़ दिया गया है। अब विभव कुमार और उनके लोग सिर्फ ये कोर्ट, जो उनके परिवार के लोग हैं, सिर्फ कोर्ट कचहरी भुगतेंगे, और जो केजरीवाल है जिनके लिए इतना विभव कुमार ने ये सब कांड किया था, वो सब अब अलग होते चले जाएंगे विभव कुमार से। कुछ ऐसा ही नजारा ये हुआ कि हम आपको थोड़ा सा शुरू में विस्तार से बता देते हैं। दरअसल है क्या कि 13 मई को की घटना पर स्वाति मालीवाल ने अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। जो जगदीप धनखड़ है, दरअसल स्वाति मालीवाल राज्यसभा की सांसद है, और इस लिहाज से जो राज्यसभा के एक तरीके से पिता हैं, एक तरीके से गार्जियन हैं, वो जगदीप धनखड़ है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो अगर किसी भी राज्यसभा सांसद के साथ कोई भी इवेंट बट होती है तो उनके जो रक्षा करते हैं वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करते हैं। अब स्वाति मालीवाल ने जगदीप धनखड़ से मिलकर विभव कुमार की, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के कई नेताओं की, केजरीवाल की, सुनीता केजरीवाल की, ये शिकायत की है उपराष्ट्रपति से। और उपराष्ट्रपति से अगर वो मिली हैं तो सचमुच ये सारा जो कांड था, इसका पूरा जो रिजल्ट है, इसका पूरा नजारा है, वो एकदम बदल जाएगा। क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति किसी तरीके का कोई लेटर या किसी तरीके की कोई चिट्ठी कानून मंत्री को भेजेंगे तो उसका कुछ और इम्पैक्ट पड़ेगा, और अदालतों को भी इसमें बहुत सख्ती दिखानी पड़ेगी। ये मजबूरी है, कानून है, क्योंकि महिला के साथ ऐसा हुआ है और महिला को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा, उसकी मेडिकल रिपोर्ट है, ये सारी चीजें हैं। अब राज्यसभा के अगर मालिक जगदीप धनखड़ है तो जगदीप धनखड़ विभव के खिलाफ बहुत बड़ा ये खेला हो जाएगा कि विभव कुमार अब फंसते नजर आ रहे हैं, और उनको अब शायद आने वाले कई महीनों तक किसी तरीके की कोई राहत मिलने वाली नहीं है। यहाँ पर हम बता दें, 30,000 कोर्ट की जो माननीय जज है एकता गावा मान, उन्होंने भी इनकी जो जमानत याचिका जिस पर ये सुनवाई हो रही थी, उस जमानत याचिका को सिरे से गलत बता दिया है। उन्होंने माना है कि याचिका को खारिज कर दिया, और उन्होंने माना कि स्वाति मालीवाल इस बात की पहले ही शिकायतें कर चुकी हैं
कि उन्हें बहुत सारे लोग इस मामले को वापस लेने के लिए धमकाते नजर आ रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनको उनके खिलाफ कई तरीके की कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ कई वीडियो रिलीज किए जा रहे हैं, उनके चरित्र हनन की कोशिश की जा रही है। और इतना ही नहीं, खुद विभव कुमार ने उसको मार के गाड़ने की धमकी दी थी और वो धमकियां कहीं ना कहीं अभी और बढ़ती जा रही हैं। इसलिए जो जज साहब थी, अदालत थी, अदालत ने इस विभव कुमार की दूसरी याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि दूसरी जमानत याचिका को ये लगानी नहीं चाहिए थी, ये गलत थी, क्योंकि विभव कुमार इतने बुरी तरीके से फंस चुके हैं, वो इस तरीके के अपराधी हैं, उन्होंने धमकी दी है, महिला को मारा पीटा है और वो भी सीएम हाउस के अंदर। इसलिए विभव कुमार की जमानत याचिका का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और उन्होंने विभव कुमार की दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दी। अब स्वाति मालीवाल को क्योंकि बचाया जाना है, जज ने भी माना है कि अगर विभव को जमानत दे दी गई, जो जज साहब ने अपने ऑर्डर में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि अगर विभव कुमार को, जो आरोपी है स्वाति मालीवाल को पीटने के मामले में, अगर विभव कुमार को जमानत दे दी जाती है तो वह पीड़ित महिला, पीड़ित जो पीड़िता है उसको धमका सकता है, उसे जान से मारने का खतरा है क्योंकि पहले ही वो धमकियां देता रहा है, और जो इस मामले में गवाह हैं उनको भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस जमानत याचिका पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसको खारिज कर दिया जाता है। ये हो गया, ये सीधा सीधा कह दिया गया है। अब 18 मई को विभव को गिरफ्तार किया गया था इस मामले में और तभी से विभव कुमार तिहाड़ जेल में, पुलिस तिहाड़ जेल में बंद है। अब हाई कोर्ट ही उनके लिए एकमात्र रास्ता बचा है, क्योंकि जो लोअर कोर्ट है उसमें विभव कुमार की कोई सुनवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब हाई कोर्ट मात्र बचा है एक, और क्योंकि विभव, अब इसमें जो सबसे बड़ा, हम आपको एक पेच बताते हैं, देखिए जो अरविंद केजरीवाल है वो एक तो एमएलए है, मुख्यमंत्री तो है ही, साथ में वो एमएलए है, तो उनके केस जो लड़ रहे हैं वो सारे जो लड़ने वाले वो सरकारी वकील है जो पैनल के ऊपर है। और मान लीजिए कई जो बड़े वकील हायर किए गए, सपोज कीजिए कि जो अभिषेक मनु सिंह भी जैसे वकीलों को जो हायर किया गया, उनकी पेमेंट भी सरकारी खाते से जा रही है, सरकारी खजाने से होती है। तो यहां तक क्योंकि अभी उनके जेब पर कोई भार नहीं पड़ा है, लेकिन विभव कुमार किसी सदन का हिस्सा नहीं है, सरकार के अंदर उनकी कोई अहमियत नहीं है। एलजी वीके सक्सेना विभव कुमार को पहले ही निकाल के बाहर कर चुके थे, जो नौकरी करते थे पर्सनल सेक्रेटरी की। तो अब विभव कुमार जो भी केस लड़ेंगे वो केस भी उन्हें अपने पैसे से लड़ना होगा, और इसलिए विभव कुमार के लिए ये बहुत मुश्किल पड़ने वाला है पूरा मामला। इसी बात को लेकर विभव कुमार अदालत के अंदर फूट फूट कर रोए, और उन्होंने जितना कोशिश करनी थी कि अदालत उन्हें जमानत दे दे, अदालत ने कानून का जो रक्षा करने का जो एक तरीका है, यह कहते हुए कि विभव कुमार जो पीड़िता है उसको धमका सकता है, उसके खिलाफ कुछ भी कर सकता है, इसलिए इसको जमानत नहीं दी जा सकती और विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर। बहुत बड़ी बात है ये, जो गुंडा कल तक सीएम हाउस में मार कर गाड़ देने की धमकी दे रहा था, केजरीवाल का वो गुंडा अब अदालतों के अंदर रो रहा है, अपने आप में बड़ी बात है, बड़ी सीख है लोगों के लिए। कई बार लोग नेताओं के इस झांसे में आकर जिस तरीके के अपराध कर बैठते हैं, सचमुच उनके लिए बड़ी शोचनीय स्थिति है, क्योंकि नेता बच जाते हैं और ऐसे लोग फंस जाते हैं जो उनके लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं। दरअसल है क्या, सबसे बड़ा मामला अब ये है कि क्योंकि विभव कुमार जो दिल्ली सरकार है उसमें किसी पद पर नहीं है, पार्टी में भी किसी पद पर नहीं है, केवल वो एक समय पर सिर्फ वो अरविंद केजरीवाल का प्राइवेट सेक्रेटरी हुआ करता था, लेकिन बाद में जब उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया तो अब वो एकदम बाहर की चीज है। इसका मतलब ये है कि सरकार की मशीनरी का हिस्सा ना होने के कारण विभव कुमार की जो कोर्ट के अंदर जो सुनवाई है वो उसके पर्सनल खर्चे पर होगी, यानी कि अरविंद केजरीवाल की तरह वो अभिषेक मनु सिंह भी जैसे वकीलों को खड़ा भी नहीं कर पाएगा। तो या अब जिस तरीके से विभव रो रहा है अदालतों में और अदालत लगातार उसकी याचिकाओं को खारिज कर रही है, सचमुच वो विभव कुमार के लिए बहुत ही एक असमंजस की स्थिति हो गई है। और अब विभव कुमार लंबे समय तक तिहाड़ जेल में रहेंगे, और ऊपर से अगर
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की गाज गिरी विभव पर, तो विभव समझो बहुत लंबे समय तक के लिए बुक हो जाएगा। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इतना ही नहीं, आप अगर हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात है, आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, आपको हम कितना बता पाते हैं, समझा पाते हैं, अगर आपकी कोई सलाह है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।